हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो आज रात के 10:30 बजे हैं अभी, और मैं और अनुराग इसलिए जगे हुए हैं ताकि हम आपको बता सकें कि हमने एक ट्रैवल ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। कल से हमने एक ट्रिप प्लान किया है 3 दिनों का, और जिस जगह हम जा रहे हैं उसका नाम है साल्सबुर्ग। साल्सबुर्ग एक्चुअली ऑस्ट्रिया में पड़ता है। ऑस्ट्रिया की काफ़ी फेमस सिटी है, बट जर्मनी और ऑस्ट्रिया के एकदम बॉर्डर पे है। तो कुछ जगहें हम कवर करेंगे वो जर्मनी में होंगी और कुछ ऑस्ट्रिया में होंगी। तो हमने सारी पैकिंग कर ली है और सुबह 7:45 बजे हमारी ट्रेन है। तो हम ये जो ट्रैवल कर रहे हैं ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही होगा, तो हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे कि हम कौन सी जगह कवर कर रहे हैं। और कैसे कैसे उस जगह तक पहुंचा जा सकता है यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो चलिए फिर सुबह मिलते हैं। मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सो अभी सुबह के 6 बजे हैं और हम निकलने के लिए एकदम रेडी हैं। तो यहाँ स्टेशन तक हम ट्रैम लेंगे, 5-6 मिनट लगेंगे। तो मिलते हैं आपको स्टेशन पे। आप देख रहे हैं आईसी के बाथरूम से लॉक कर लेता हूँ। यहाँ पे ये सीट है और ये मैं। हम 10 मिनट में म्यूनिख पहुंचने वाले हैं, बट ये ट्रेन हमारी जो है वो आधा घंटा लेट है और हमारी जो नेक्स्ट ट्रेन है वो मिस हो चुकी है। जो कि नेक्स्ट ट्रेन का जो टाइम था वो अभी था और हम अभी अभी इसी ट्रेन में बैठे हैं। यहाँ भी ट्रेन लेट होती हैं, बट हमने अभी टिकट चेकर से पूछा तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा कुछ हो जाए
कि आपकी नेक्स्ट ट्रेन मिस हो जाए, इस वजह से कि आपकी ये ट्रेन लेट है, तो आप उसी डायरेक्शन में जाने वाली नेक्स्ट कोई भी ट्रेन ले लें, चाहे वो फास्टेस्ट ट्रेन ही हो, बट फिर भी हम एक बार शायद वहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर में कंफर्म करेंगे, ऐसा ना हम ऐसे ही बैठ जाएं और बाद में फाइनल जाए। तो देखते हैं गाइस क्या होता है आगे। तो फ्रेंड्स, हमने अब म्यूनिक से सार्सबुर्ग की ट्रेन ले ली है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, टूरिस्ट सॉरी इंफॉर्मेशन सेंटर वालों ने हमें एक रिप्लेसमेंट टिकट दे दी कि आप इसके बाद म्यूनिक के आगे जाने वाली कोई भी सार्सबुर्ग की डायरेक्शन की ट्रेन ले सकते हैं। तो ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई ट्रेन मिस करने के बाद भी। तो आपके लिए भी सजेशन है, अगर आपका ट्रेन लेट होने की वजह से कोई कनेक्शन मिस हो जाता है तो उसमें घबराने की बात नहीं है, वो आपको अगर आप इंफॉर्मेशन सेंटर पे जाएंगे तो आपको नेक्स्ट ट्रेन की टिकट दे देंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। और इसमें एक एडवांटेज ये है कि जो नई ट्रेन नई टिकट आपको मिलेगी वो फास्ट ट्रेन की भी हो सकती है।